हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के अंदर एक ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने बनाया है जो कि यूजर से इनपुट लेगा और जब जब यूजर बोलेगा उतने ही वही वही नंबर्स को ये ऐड करके दे देगा। तो ये फंक्शन मैंने बनाया है और ये यूजर डिफाइंड है। ये क्या है देखिए, यहाँ पर ऐड नंबर्स के नाम से ये फंक्शन बनाया है। अब जब जब इसको कॉल करेंगे ना तो ये नंबर्स को ऐड करेगा, ठीक है। अब एक बार इसको पहले सेव करते हैं, इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, पूरे प्रोग्राम को देख लीजिए और इसको एक बार सेव करते हैं। तो F5 प्रेस किया इस प्रोग्राम को चलाने के लिए और इसी समय मैं इसे सेव कर रहा हूँ .py लगा करके। ये हो गया, ये सेव हो गया। अब जैसे ही ये प्रोग्राम चला तो लिखा हुआ है एंटर नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस, यानी स्पेस से सेपरेट करते हुए नंबर्स को लिखना है। पहला 55 लिख दिया, दूसरा 77 लिख दिया, तीसरा 88 लिख दिया, चौथा 99 लिख दिया, ठीक है। अब इनको हमें जोड़ना है और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इनका टोटल करके ये दे देगा। देख सकते हैं यहां पर जितना नंबर मैं एंटर कर रहा हूं उतने का ये टोटल करके देगा। अब देखिए एक बार फिर इसको चलाते हैं, 5 करते हैं और यहां पे इस बार मुझे 5 स्पेस 7 स्पेस 8 स्पेस 9 स्पेस 90 स्पेस 77, ये इस तरीके से 777, फिर 77 और फिर यहां 45, फिर यहां 67, इतने को जोड़ना है। तो अब स्पेस से सेपरेट करते हुए लिखा है, बस एंटर करेंगे तो इसका टोटल हमें मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आप देखिए, ये प्रोग्राम जो है फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया गया है और यहाँ पर जो है इसी फंक्शन को यहाँ पे यूज किया गया। देखिए एड नंबर्स यहाँ लिखा गया है, जो यहाँ सेम ऊपर दिया गया है उसको रिजल्ट में मैं स्टोर करवा रहा हूँ और फिर रिजल्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर एक लूप भी लगाया गया है, देख सकते हैं आप, फॉर नम इन नंबर्स लिस्ट, ठीक है। तो एक लूप भी तो यूज किया गया है और इस तरीके से, और यहाँ स्प्लिट का यूज किया, स्प्लिट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, हमने यहाँ यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।